तो शेल प्रॉब्लम में नाम से ही पता लग रहा है, एक शेल है, एक स्फेयर जो अंदर से खाली है, इसकी प्रॉब्लम है। शेल की प्रॉब्लम करने के लिए आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताए थे, ये फिर से सेम फॉर्मूला लिखे हुए हैं। एक शेल के बाहर ई का फॉर्मूला जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर और वी का फॉर्मूला माइनस जी एम बाय स्मॉल आर। शेल की सरफेस के ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल आर। शेल के अंदर ई क्या है, जीरो। शेल के अंदर वी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और कितना कॉन्स्टेंट, जितना सरफेस पे वी है उतना ही अंदर भी वी है। ये हमने कर लिया ऑलरेडी। अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं शेल प्रॉब्लम पे। देखो शेल प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन आप करना। तो शेल प्रॉब्लम के लिए इमेजिन करो आपके पास एक शेल है, ये रहा, ये एक शेल है और एक और शेल है। दो दो ये आपने शेल दे लिए, दो शेल्स हैं। इसका मास है m1, बनाते जाएं चाहे रफ कॉपी पे। इसका मास है m2। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस और इसका रेडियस, लेट अस सपोज r1 एंड r2, r1 एंड r2। ठीक है, अब सपोज करो मेरा क्वेश्चन है कि यहां पे एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो एट पॉइंट आर मुझे क्या निकालना है, मुझे ई निकालना है। आर डिस्टेंस पे मुझे ई निकालना है। अब आंसर दें, इसके अंदर मुझे अगर आर डिस्टेंस पे ई निकालना है तो कितने शेल्स हैं, दो। आपको एक एक करके आंसर देना है। पहले फर्स्ट शेल से पूछते हैं, फर्स्ट शेल से पूछते हैं तू कितना ई कंट्रीब्यूट करेगा। तो फर्स्ट शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ई पे जीरो। तो किसी भी शेल के अंदर ई क्या होता है, जीरो। तो यहां पर क्या आएगा, जीरो। पहला शेल ने आंसर दे दिया। दूसरे शेल से पूछो तू क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, पहले शेल को भूल जाओ, अब दूसरे शेल के अंदर ये पॉइंट है तो दूसरा शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे भी अंदर लाई करता है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी जीरो। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन जीरो, कोई डाउट है इसमें, क्योंकि दोनों के अंदर अंदर लाई करता है तो जीरो जीरो। नेक्स्ट वी, चलो वी बाद में करते हैं, पहले ई से बात करते हैं। तो एट पॉइंट, मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं ई के लिए, एट पॉइंट ये लेता हूं, सपोज ये पॉइंट है आर डैश। आर डैश पॉइंट पे बोलो ई की वैल्यू क्या होगी। ओके फर्स्ट शेल से पूछो, पहला देखो सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल। पहले शेल से पूछो कि क्या तू यहां पर ई लगाएगा, वो कहेगा लगाऊंगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये पॉइंट वो कहेगा मेरे बाहर लाए करता है। तो कितना लगाऊंगा, जी, इसका मास m1 और सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, आर डैश का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, क्योंकि पॉइंट अगर अंदर है तो ई जीरो, पॉइंट बाहर है फिर तो ई लगेगा। तो ई क्या लगेगा, जी एम बाय जी एम वन बाय आर डैश का स्क्वायर। सही है। शेल नंबर टू से पूछो क्या तू यहां पर ई कंट्रीब्यूट करेगा, तो करेगा कि नहीं करेगा। शेल टू क्या कहेगा, ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है कि बाहर लाई करता है, शेल टू के लिए अंदर लाई करता है। भाई शेल टू तो बड़ा है, शेल टू के अंदर है ये पॉइंट, तो शेल टू क्या कहेगा, मैं यहां पर ई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। तो यहां पर क्या आएगा, जीरो। कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में ये मान लो डिस्टेंस है आर डबल डैश। तो एट आर डबल डैश बोलो, फर्स्ट शेल से पूछो क्या तो ई कंट्रीब्यूट करेगा, तो शेल नंबर वन कहेगा देख मैं तो यहीं तक हूं और ये पॉइंट तो मेरे से बहुत दूर है, मैं जरूर करूंगा। कितना, जी m1 डिवाइडेड बाय आर डबल डैश का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम सेंटर। तो हमने सेंटर से आर डबल डैश दूरी पे निकालना है ई, तो डिस्टेंस आर डबल डैश। अब बात करते हैं सेकंड शेल। अब सेकंड शेल कहता है, अब देखो ये पॉइंट मेरे भी बाहर निकल गया तो मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। कितना करेगा, जी सेकंड शेल का मास। अब डिस्टेंस सेकंड शेल भी कहां से लेने वाला है, फ्रॉम सेंटर। तो सेकंड और फर्स्ट शेल के सेंटर से डिस्टेंस कितने है, आर डबल डैश। आंसर ठीक है, यहां तक डिस्टेंसेस सारे सेंटर से लेने हैं।
कोई डाउट इसमें? तो ई का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगा ई? ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं v की। चलो v निकालते हैं, हम शुरू से शुरू करते हैं। v फर्स्ट, अब r डिस्टेंस पे बोलो v क्या होगा। इस डिस्टेंस पे फर्स्ट शेल से पूछो क्या, तो यहां v, तो v तो कभी जीरो होता ही नहीं शेल का। तो फर्स्ट शेल के लिए ये पॉइंट शेल के अंदर है, तो फर्स्ट शेल v लगाएगा, लगाएगा कितना लगाएगा शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, v तो कॉन्स्टेंट होता है, कितना, जितना शेल की सरफेस पे। तो फर्स्ट शेल कहता है काम करो मेरे सरफेस से पूछो कितनी वैल्यू है। फर्स्ट शेल की सरफेस के ऊपर v का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम वन डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है r1। सरफेस के ऊपर रेडियस क्या है r1, तो फर्स्ट शेल के ऊपर v का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम वन डिवाइडेड बाय r1। यहां पर क्या वैल्यू आ गई v की, और यही v की वैल्यू अंदर भी होगी, क्योंकि जितनी v की वैल्यू सरफेस के ऊपर होगी उतनी v की वैल्यू अंदर भी होगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो v की वैल्यू आ गई यहां पर, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेकंड शेल से पूछो, सेकंड शेल से पूछो कि तू कितना v लगाएगा। सेकंड शेल कहता है देखो ये पॉइंट मेरे अंदर है, तो जितना मेरे सरफेस का v है उतना ही अंदर v है, तो सेकंड शेल अपने सरफेस पे v क्या लगाएगा, माइनस जी एम टू डिवाइडेड बाय आर टू। तो v की वैल्यू भी सेम लगाएगा अपने अंदर, सिंपल है। तो अगर कोई पॉइंट शेल के अंदर है तो उसका सरफेस का v लगेगा, और सरफेस में क्या लगेगा, हमेशा रेडियस आएगा, रेडियस के साथ आंसर आएगा। ये समझ में आ रहा है यहां तक? तो फर्स्ट शेल ने कहा ये पॉइंट मेरे अंदर है, तो जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है r1 पे वही अंदर भी सेम है। सेकंड शेल ने कहा ये पॉइंट मेरे अंदर है, तो जितना सरफेस के पोटेंशियल है उतना ही अंदर पोटेंशियल है, ऐड कर दिया, सही है। चलो फिर करते हैं v की वैल्यू फिर निकालते हैं r डैश पे यहां पे। तो फर्स्ट शेल क्या कहता है, ये पॉइंट तो भाई मेरे से बाहर निकल गया, तो मैं v क्या लगाऊंगा, माइनस जी एम वन डिवाइडेड बाय सेंटर से दूरी कितनी है r डैश। तो यहां पर क्या आएगा r डैश माइनस जी एम वन बाय r डैश, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बाहर है तो सेंटर से दूरी कितनी r डैश है। अब नेक्स्ट है सेकेंड शेल, सेकेंड शेल क्या कहता है, ये पॉइंट अभी भी मेरे सरफेस के अंदर है, सेकेंड शेल के लिए पॉइंट अभी भी अंदर है, तो सेकंड शेल क्या कहेगा, जितना मेरी सरफेस के ऊपर v है उतना ही अंदर v है। सरफेस पे v कितना है, माइनस जी एम टू डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है r2। आंसर, तो सेकंड शेल अपने सरफेस का कॉन्सेप्ट लगा रहा है, लेकिन फर्स्ट शेल एक्चुअल कॉन्सेप्ट लगा रहा है, क्योंकि फर्स्ट शेल के लिए वो पॉइंट बाहर चला गया r डैश पे चला गया, लेकिन सेकंड शेल के लिए वो पॉइंट अभी भी इनसाइड है, तो सरफेस जितना ही पोटेंशियल लगेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? फिर देखते हैं अब v की वैल्यू कहां निकालनी है, बिल्कुल ही बाहर निकालनी है यहां पर, डिस्टेंस r डबल डैश। अब ये पॉइंट दोनों शेल के लिए बाहर है, तो फर्स्ट शेल की वजह से माइनस g m1 डिवाइडेड बाय r डबल डैश बाहर है, सेंटर से दूरी इतनी है, और सेकंड शेल के लिए माइनस g m2 डिवाइडेड बाय r डबल डैश। इन्हें ऐड कर दो आंसर, क्योंकि पॉइंट दोनों शेल्स के बाहर है, और कितना बाहर है r डबल डैश बाहर है। आंसर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं, तो शेल प्रॉब्लम कैसे काम करती है समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप एक काम करो, खुद ट्राई करो, ये लो क्वेश्चन करो सॉल्व। क्वेश्चन है, ये एक स्फेयर है, ये एक और स्फेयर है, ठीक।
ठीक, मान लो ये 10 केजी है, जैसे आसान करने के लिए ये 15 केजी है, रेडियस इसका 5 मीटर है, रेडियस इसका 7 मीटर है, आपको ई और वी दोनों निकालने हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो एट डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट इसमें निकालना है एट डिस्टेंस मान लो 6 मीटर, एट डिस्टेंस 6 मीटर, ई और वी दोनों निकालने हैं, ई और वी दोनों निकालने हैं, और उसी तरीके से आपको 10 मीटर दूर निकालना है एट डिस्टेंस 10 मीटर पे ई और वी दोनों निकालने हैं। ये क्वेश्चन है। ना साथ साथ आंसर देना, वेरीफाई करो। देखो इसके अंदर सबसे पहले 1 मीटर, चलो 1 मीटर पे ई बोलो फर्स्ट शेल का क्या कंट्रीब्यूशन है, ई का फर्स्ट शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मैं तो कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा नहीं। सेकंड शेल भी क्या कहेगा, मेरे भी अंदर लाई करता है, मैं भी कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, 0 एंड 0, क्लियर है। नेक्स्ट है ई की वैल्यू 6 मीटर पे निकालो। फर्स्ट शेल क्या कहता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे शेल के तो बाहर चला गया तो मैं तो E लगाऊंगा G into mass divided by 6 का स्क्वायर, क्लियर है, GM by R स्क्वायर। लेकिन सेकंड शेल क्या कहता है, क्योंकि ये पॉइंट अभी भी मेरे अंदर है तो मैं तो कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो क्या आएगा, 0, ठीक है। अब E की वैल्यू 10 मीटर पे, 10 मीटर पे फर्स्ट शेल कहता है ये पॉइंट 10 मीटर दूर है तो 10 का स्क्वायर, और सेकेंड शेल ये भी कहता है कि ये वाला पॉइंट मेरे से बाहर चला गया तो मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, और कितना कंट्रीब्यूट करूंगा, 10 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से दूरी दोनों शेल से 10 मीटर ही है, 10 एंड 10, ठीक है। फर्स्ट शेल के भी बाहर पॉइंट है 10 मीटर दूर, सेकंड शेल के भी बाहर पॉइंट है 10 मीटर दूर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब वी शुरू करते हैं। वी की वैल्यू, चलो फर्स्ट शेल पे फर्स्ट 1 मीटर दूर, V की वैल्यू क्या होगी, इस शेल के अंदर ये पॉइंट लाई करता है तो फर्स्ट शेल क्या कहता है, जितना मेरी सरफेस का पोटेंशियल है उतना ही अंदर है, तो बोल सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय सरफेस तक का रेडियस क्या है, 5, ऐसे किया माइनस जी इंटू एम बाय आर, आर में रेडियस सरफेस जितना, सही है। नेक्स्ट है, अब सेकेंड शेल के लिए, सेकेंड शेल कहता है ये पॉइंट मेरे भी अंदर है तो मेरे सरफेस का पोटेंशियल ले लो, सरफेस में सेकेंड शेल का मास और रेडियस कितना है सेकेंड शेल का, 7, तो सरफेस का पोटेंशियल निकाल लो, अंदर भी एग्जैक्टली वही कंट्रीब्यूशन होगा जो सरफेस का है, अंदर भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब 6 मीटर पे फर्स्ट शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे से बाहर निकल गया तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस जी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6 हो गया, 6 मीटर दूर है, एक्चुअल डिस्टेंस देना पड़ेगा बाहर का। देखो बहुत सिंपल है, अगर कोई पॉइंट अंदर है फिर तो रेडियस कैपिटल आर लेना है, और अगर बाहर है फिर एक्चुअल ले लेना है। अब सेकंड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर है तो माइनस जी इंटू
मास डिवाइडेड बाय जितना मेरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर होगा, तो सरफेस पे रेडियस आर के साथ काम चलेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है 10 मीटर दूर दोनों के दोनों वी लगाएंगे, एक्चुअल डिस्टेंस पे लगाएंगे तो दोनों में जी इंटू 15 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इसमें 10 ही आएगा आंसर।